स्थानीय प्रशासन को कर्पूरी चौक से आगे तालाब किनारे खाली जमीन को बचाने की चिंता नहीं है, तभी तो उक्त पीडब्ल्यूडी की सरकारी जमीन पर कब्जा कर कर्पूरी चौक निवासी विनोद जायसवाल बड़े पैमाने पर गिट्टी बालू का भंडारण कर धड़ल्ले से अवैध ढंग से अपना व्यवसाय चलाने में मशगूल हैं। अगर स्थानीय प्रशासन सचेत नहीं हुई तो उस जगह पर कभी भी दुर्घटना घटने की आशंका बनी रहती है। आलम यह है कि तालाब के समीप सड़क किनारे गिट्टी और बालू डंप किए जाने और बेचे जाने के दौरान जेसीबी मशीन से ट्रैक्टर में लोड करते समय गिट्टी और बालू सड़क पर आ जाता है, जिस कारण भवनाथपुर टाउनशिप मुख्य सड़क पर चलने वाले राहगीरों और बाइक चालक फिसल कर गिर चुके हैं। सड़क किनारे अवैध तरीके से बड़े पैमाने पर गिट्टी बालू का भंडारण किए जाने से छोटी बड़ी वाहनों के आवागमन में परेशानी होने के साथ ही कई दफा उस जगह पर जाम की स्थिति बनी रहती है, जबकि उसी रास्ते से स्थानीय प्रशासन और अधिकारी दिन रात गुजर रहे हैं। अवैध तरीके से गिट्टी बालू बेच रहे हैं व्यवसायी। व्यवसायी द्वारा तालाब के समीप भवनाथपुर टाउनशिप मुख्य सड़क किनारे पीडब्ल्यूडी की जमीन को अतिक्रमित कर अवैध तरीके से गिट्टी और बालू का भंडारण कर उसे बेच रहे हैं, जबकि सरकारी जमीन में गिट्टी और बालू का भंडारण किया जाना गैर कानूनी माना जाता है। व्यवसायी विनोद जायसवाल के पास न तो गिट्टी और बालू का भंडारण स्थल का लाइसेंस है और न ही गिट्टी बालू बेचने हेतु उन्हें विभाग से कोई आदेश निर्गत हुआ है। ऐसे में उक्त व्यवसायी नियम कानून को ठेंगा दिखाते हुए सड़क किनारे पीडब्ल्यूडी की जमीन को कब्जा कर सरेआम अपना अवैध धंधा चलाने में मशगूल है।